ये कोई एक्यूरेट वे तो नहीं है चेक करने का जिससे आपको मतलब पता चले बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है कि नहीं, पर एक इफेक्टिव वे है जिससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पल्स ऑक्सीमीटर को ऑन कर लेते हैं हम यहाँ से। देखो रेड कलर की लाइट जली इसके अंदर, जैसे ही आप फिंगर डालोगे तो ये लाइट ग्लो होगी कि मैंने डाली, देखो फिंगर ग्लो हुई, मतलब इसका सेंसर काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको इंडेक्स फिंगर में डालना है हाथ मतलब ऑक्सीमीटर के अंदर, और यहाँ पे देखो आपको ये रीडिंग दिखा रहा है, ये वाला तो एक्यूरेट दे रहा है, मैंने चेक कर रखा है। आपको कम से कम कुछ सेकंड तक 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तक हाथ के अंदर डालना, ये मॉनिटर आपको करके बताएगा। ये जो यहाँ पे आ रहा है ये मेरा पल्स है, और जो ये आ रहा है ये मेरा ऑक्सीजन लेवल है SpO2, ये मेरा ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में कितना है, अभी 99 चल रहा है बोल रहा हूँ, उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। उस टाइम पर आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत रहना है। तो ऐसे इस तरीके से 15 से 10 सेकंड अपने इंडेक्स फिंगर में डालने से आपको आपका ऑक्सीजन लेवल तो पता चल जाएगा एक्यूरेट कितने रीडिंग चल रही है, मतलब कितने से कितना, 97 से 99, 98, वो आपको पता चल जाएगा। अब आप लोगों को चेक करना है ये यार फर्जी है या मतलब काम भी कर रहा है या ऐसी है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली कोई भी एक पेन ले लो या पेंसिल ले लो, जो भी मतलब नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी ऐसा राउंड कलर में, राउंड शेप में। तो हम फिर से इसको ऑन कर लेते हैं। अब इसको इसके अंदर डालेंगे तो ये सेंसर देखो लाइट तो जलेगी पर ये थोड़ा रीडिंग देगा नहीं, सबसे पहली बात रीडिंग देगा नहीं, और एबनॉर्मल सा भी कई बार बिहेव करता है। अभी तो फिलहाल कोई रीडिंग दे नहीं रहा है, अगर ये रीडिंग देता है तो समझ जाना कि ये रैंडम रीडिंग दे रहा है, सिर्फ नॉर्मल एक सेंसर है जो सेंस करता है कोई चीज़ अंदर आई है और रैंडम रीडिंग दे देता है। पर अभी ये देखो कंटिन्यूसली इसके अंदर मैंने डाल के रखा है, कोई रीडिंग नहीं दे रहा क्योंकि इसके अंदर क्या ही ऑक्सीजन मतलब होगा, ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर्मली सिंपली ऐसे ही चलता रहेगा। तो इससे ये तो पता चल जाता है ऑक्सीमीटर मतलब ये वाला वर्क कर रहा है, और देखो ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। अब हम इसको निकाल देते हैं। तो अगर आप लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर ख़रीदना है, ये एवरेज 500-600 रुपये का मैंने ख़रीदा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। और अगर अच्छा क्वालिटी का ख़रीदना है तो आप 1000, 1200, 1500, 2500 तक भी जा सकते हो, एकदम एक्यूरेट रीडिंग, और मतलब उसमें कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। पर फिर भी देख के लेना, रिव्यू देख के लेना, और रेटिंग मैटर करता है, तो रेटिंग यूज़र की रेटिंग ज़रूर देखना कितनी रेटिंग है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद।